भारत सरकार की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीच बुधवार को एक एमयू करार हुआ है। दोनों के बीच इस करार के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय और भारत सरकार की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को मिलजुल कर शोध करने का अवसर प्राप्त होगा। इस एमयू के करार होने के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह और भारत सरकार के बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, हमारे यहाँ रिलैक्सेशन ऑलरेडी है, जो उसमें फॉरेन हॉस्पिटल में उसमें नाम बात तो हम इंडिया के पास में कल से कल से लगा रही न्यू में जिक्र करना चाहते हैं जी। जो सेंट्रल मिशन से हमारा अगर कोलैबोरेशन हो सके तो एक नेपाल से भी सर थोड़ा सा अगर हो सके कि डिपार्टमेंट या जितना आए बात किए थे मैनेजमेंट इसमें हम बोलते हैं हमारे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारे पूरे कंट्री भर में जितने बॉटनिकल रिसर्च के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं उस पर उनकी कार्रवाई होती है, और तमाम बॉटनिकल गार्डियंस हैं जो उनके सुपरविजन में चलते हैं। तो वो नेशनल लेवल का 1890 में इस्टेब्लिश संस्था थी, एक सेंचुरी से ऊपर हो गई है, और उसके साथ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये होगा कि उनके हम जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं उसके हमारे जो विद्यार्थी हैं शिक्षक हैं वहाँ देख के वहाँ अध्ययन के लिए जा सकेंगे, और वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं हमारे यहाँ रिसर्च कर सकेंगे। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, जिसमें हम उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ वो हमारे यहाँ भी हमारे यूनिवर्सिटी चूँकि डिग्री प्रोवाइडिंग यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के लोग यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ के बॉटनी डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करके रिसर्च से बढ़ाती अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे वो लोग, और साथ में वो भी प्रयास करेंगे कि हमें अच्छा बॉटनिकल गार्डन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बनाया जाए, जिसमें जो रेयर प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लोरा फैना है, पॉलन है, सीड्स हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेशन के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय अलग सेंटर स्थापित करने का प्रयास करेगा। बॉटनी का बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है, बहुत सारे ऐसे रेयर प्लांट्स हैं जो कि उनके पास हैं डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन्स में, तो उनके अध्ययन के लिए हमारे शोध छात्र हमारे विश्वविद्यालय के जाएंगे, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो उनके साइंटिस्ट के माध्यम से उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के माध्यम से वहाँ अध्ययन कर सकेंगे, उन प्लांट्स का अध्ययन कर पाएंगे जो कि उन्हीं के पास हैं, और हम विश्वविद्यालय में बहुत रेयर हैं जो नहीं मिलते हैं कहीं जगह पे कई जगहों पे। वो हमारे उनके जो मयू में जो साइन हुआ है उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि यहाँ से वो लड़के बॉटनिकल डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे, कलकत्ता बेस्ड उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की चिट्ठी वहाँ से जाएगी, जिसमें हमारे छात्र जो है वहाँ जाके उनसे बात करके उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। किस सत्र से ये व्यवस्था लागू? ये बस लागू हो गई हमारे यहाँ से, अब आगे से इसे एमओयू साइन होने के बाद तुरंत ही लागू हो गई। पिछले करीब एक साल से चल रहा था जो इस समय क्रियान्वित हो गया। फाउंडेशन है कि कितने छात्र हो जा सकते हैं लगभग? नहीं, वो तो आपस में एग्रीमेंट जैसा होगा। शोध छात्र निश्चित है कि कम ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। शोध छात्रों की संख्या जिस विभाग में जितनी होगी, बॉटनी के अलावा अन्य विभाग के लोग भी जा सकते हैं, जूलॉजी वाले भी जा सकते हैं, केमिस्ट्री लोग भी जा सकते हैं, तो अन्य विभाग के लोग भी शोध छात्र जा सकते हैं। उसकी डिटेल आउट समय टू समय बातचीत के अनुसार तय होता रहेगा, प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होगा वो।